फ्रेंड्स, एक व्लॉग मैंने ख़त्म किया था और दूसरा जो है स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे जो है मैं तैयार हो रही थी ऐसे ही, फिर इन्होंने बोला कि चलो चलते, इनको भी कुछ काम था बाहर तो मुझे मार्केट जाना था, मुझे भी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग जो है अपने लिए करनी थी। तो बस ये डाला मैंने और तैयार होके जाना था। फिर उसी बीच कलर करने वाले भैया आ गए थे, जो कलर बता रही थी ना मैं कि नहीं सही से नहीं हुआ रूम में, तो वो वाले भैया भी आ गए थे। तो बस इस तरफ ताला लगाया और हम लोग मार्केट चले गए थे। अब मार्केट से लेना क्या था, क्योंकि आसपास की दुकानें बिल्कुल घर के पास ही पूरा मार्केट है, तो वहीं गए थे। तो बस मुझे लेनी थी एक साड़ी, प्लेन साड़ी लेनी थी, तो वही इनको पास वाली दुकान में ही मैंने देखा, भेजा कि चलो मिल जाती है तो यहाँ से ले लेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन भी मैंने देख रखी थी, बट इन्होंने कहा पता नहीं कपड़ा कैसा है। तो बस यहाँ पे वो साड़ी जो है मिल गई थी। हाँ ये रेड चाहिए, दिखा ना, दिखाओ। हाँ जॉर्जेट ही चाहिए। वाह यही ब्लड रेड ही चाहिए मुझे, जॉर्जेट तो नहीं लग रहा। क्या प्राइस है? कलर तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे अपना काम करके। ये देखिए तो एक कोट और उन्होंने लगाया है, बट ये जो कोट लगाया ना पहले ये दीवार ख़राब कर दी थी, अब उस पे सारे छीटा छूटी रेड के डाल दिए। तो बस वही है कि फिर बोल रहे हैं कि चलो इस पे भी आके कभी देखूंगा कर दूंगा। तो वाइट वाली दीवार जो है वो ख़राब हो गई थी, लेकिन रेड वाली थोड़ी सी सही हो गई थी। इनको धब्बे वगैरह लग रहे थे, सच में धब्बे थे भी, तो भैया आके कर गए थे। बट ये काम क्या, ये देखो जगह जगह पे रेड वाले कलर लगा दिए थे और कमरा भी पूरा बिखर गया था, तो उसको भी मुझे सेट करना था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड अजी। और अभी टाइम हो गया है 4:45, अभी मैं गई थी मार्केट, इनको कुछ काम था तो इन्होंने बोला चलो घूम के आ जाते हैं, थोड़ा सा लंबा सा चक्कर आ जाते हैं। लिप शेड दूसरा लगाया देखो ब्राउन से, तो फिर मैंने कहा यार मैं काफ़ी दिनों से लेना चाह रही थी, दो साड़ियाँ मुझे पसंद आई थी, तो एक मैं प्लेन रेड बिल्कुल ब्लड रेड लेना चाह रही थी, तो ऑनलाइन मैं मंगवाना चाह रही थी। फिर इन्होंने कहा पता नहीं कपड़ा कैसा आया कैसा नहीं आया, बहुत गंदा सा वाला आ जाए तो अपन आसपास ही देख लेंगे, तो आसपास वाले एक शॉप से लेके आई हूँ रेड साड़ी, क्योंकि एनिवर्सरी आने वाली, तो मैं सोच रही हूँ सुबह के टाइम पे जो है एनिवर्सरी वाले दिन रेड साड़ी पहनूँ। बिल्कुल प्लेन नहीं होती, पहले पुरानी जो हीरोइनें और होती थी जैसे कि श्रीदेवी हुई, माधुरी दीक्षित हुई, ये सब पहनते थे ना, बिल्कुल प्लेन लुक और बिल्कुल ब्लड रेड बिंदी, ब्लड रेड ही लिपस्टिक और सिंदूर, तो वो वाला लुक थोड़ा सा मैं करना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे चाहिए थी। और प्लेन और बिल्कुल हल्की लाइट वेट साड़ियाँ मुझे पसंद है, आपको पता ही है मैं कई बार बोल चुकी हूँ, तो ऐसी ही मुझे चाहिए, हैवी साड़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो बिल्कुल ब्लड रेड वाला लुक करना चाह रही हूँ। भगवान करे मेरा वेट कम हो जाए, भगवान क्या करे मुझे ही करना पड़ेगा, साथ से मैंने स्टार्ट तो कर दिया। तो ये देखो बिल्कुल ब्लड रेड है ये साड़ी, उधर तो ऐसी लग रही थी, यहाँ पे पता नहीं कैसा कलर आ गई। ये देखो ये बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी मैं लेके आई हूँ, बहुत प्यारी है। और मैं क्या किया, मुझे क्या पहना था, या तो इस पर कोई डिजाइनर ब्लाउज पहनूँ, बट जो मेरे वो थे ना, कैसे सही आएगा ये धुंधला आता है, तो जो मेरे टेलर थे ना अंकल, वो क्या हुआ कि वो सरपंच बन गए, तो वो उन्होंने दुकान बंद कर दी या ऐसा कुछ, पूरे जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ ना तब से। तो अब मैंने कहा यार कोई ब्लाउज सिलने वाला मिले नहीं मिले, 6-7 दिन में कोई नया टेलर करके दे नहीं दे, तो फिर मैंने क्या किया कि एक बार मुझे ब्लैक में भी पहन सकते हैं इसको, ब्लू में भी पहन सकते हैं, इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन का ब्लाउज पहनो, जैसे कि ग्रीन पहन लिया थोड़ा सा हैवी, या ब्लैक पहन लिया या ब्लू पहन लिया, तो अच्छा लगेगा, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लैक और ऐसे। बट फिर मैंने कहा वो नहीं, चलो बिल्कुल ही प्लेन लुक मैंने किया, तो फिर मैं ये रेडीमेड वाला वो लेके आ गई हूँ, ये जो होते हैं ना, तो ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था, अब देखते हैं मुझे आ जाएगा क्या। तो ये वाला ब्लाउज लेके आई मैं, बिल्कुल मैच कर रहा था, ये देखो नेट की स्लीव्स हैं, ये वाले होते हैं ना जो स्ट्रेचेबल होते हैं, वो वाला लेके आई, और बहुत सही प्राइस में मिल रहा था, मैंने कहा चलो ये नहीं भी पहना तो यार रखा रहेगा, तो
तो ये 160 का या 150 का ही मिल रहा था, तो ये मैंने ले लिया। तो ये अब मैं डाल के देखूंगी आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है। तो ये दो चीज़ें लेके आई हूँ मैं, बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी रेड साड़ी की, तो ये मेरी आज चाकी पूरी। अब मैं फॉल पिको करवाऊंगी और फिर उस दिन 27 की सुबह को पहनूंगी और बिल्कुल ब्लड रेडी बिंदी लगाऊंगी। तो यार अब मेरा सर दुख रहा, भूख भी लग रही है, तो थोड़ा सा चाय आधा आधा कप बना लेती हूँ और फिर मुझे और काम भी करने, बेसन भी भून के रखना है, खाना भी बनाना है, और मैं सोच रही हूँ ढोकले वगैरह के प्री मिक्स बना के रख दूँ एक दो, तो देखते हैं रात तक क्या होता है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो मैंने ब्लाउज चेक करने के लिए पहना और बिल्कुल फिट अच्छा सा है, और ये भी मैं अंदर पहन के डेट डाली और मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कब मैं कैसे तैयार होंगी और कैसी लगूंगी। बहुत ही इच्छा थी मेरी, बहुत ज्यादा इच्छा थी प्लेन रेड साड़ी की। इनको दिखाती हूँ, ये देखो एक मैं शेयर कर देती हूँ, मुझे तो मस्त लग रही है यार ये साड़ी। आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर से बताओ ना। आज बिना कहे चाय बना रहे और ना बोल के बनवानी पड़ती है, मुझे मिल नहीं रही थी। कोई नहीं, तुम पीते का वो चाय मजाक नहीं, अब मुझे सुनाओगे तो नहीं है? सुनाने का मौका सुनाऊंगा। लेकिन मैंने नहीं बोली थी, मैं तो सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं 6:30 और इतनी देर जब से मैं आई चाय वाय पी तब से हम खेलने लगे बाहर और थोड़ा प्लानिंग भी बच्चों के साथ खेलने लगे थे, मैं भी ये भी ऐसे करके, और फिर थोड़ी सी प्लानिंग की कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट करें क्या ये वो ऐसे, और हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही है उसका भी कुछ सोच रहे। और नाइट कर्फ्यू राजस्थान में था, 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, कर्फ्यू था, तो वो हट गया इनकी, इन्होंने सुबह खबर डाली थी तो उस खबर का असर हो गया, तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नाइट कर्फ्यू जो है वो हटा दिया है। अभी टाइम हो चुका है 6:30 और अब तो हम रात को भी कहीं जा सकते हैं शायद सेलिब्रेट करने। तो ये जो है मैगी बनाई अभी, दोनों को इच्छा हो रही थी क्योंकि नई तरीके की लेके आई थी सॉसी, युप्पी वाले जो है ना सॉसी मसाला वो बनाई है इन दोनों के लिए। मैं अपने लिए फलाहार बना रही हूँ, आज सुबह से मैंने ऐसे कुछ नहीं खाया, सिर्फ मखाने की बेल खाई, फिर मैंने सैलेड खाया, फिर छाछ ली, यही सब लिया था बस। अब मैं फलाहार लूंगी और वॉक करूंगी, तो अभी मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ इसलिए थोड़ा सा व्लॉगिंग भी मे भी मैं कम करूँ क्योंकि मुझे वेट कम करना है। तो अभी इन लोगों को दे देती हूँ, फिर अपने लिए बनाते सावक, फिर देखते इनके लिए क्या खाने में बनाए। तो यहाँ पे मैं बस अपने सामक के राइस की खिचड़ी बनाऊंगी तीखी तीखी सी, और फिर मुझे वॉक करके आना है। वॉक करने के बाद मैं अपने समय शक्ति और धन बचाने वाले प्री मिक्स बनाऊंगी। वैसे मैंने पहले रेसिपी दे चुकी हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को दे दूंगी क्योंकि जब मैं कुछ बनाती हूँ और उसकी रेसिपी नहीं देती हूँ तो सबको लगता है रेसिपी दे देते, तो इसलिए। तो बस ये मैं खाऊंगी, खा के फिर वॉक करनी है क्योंकि वॉक, और अभी मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, वॉक कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, चाहे आप तो एक्सरसाइज जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, लेकिन वॉक डेली करें ना सही रहता है। तो बस ये खा के वॉक करूँगी और फिर प्रीमिक्स बनाऊँगी। प्रीमिक्स से क्या होता है ना कि बहुत सारा टाइम बचता है और नाश्ते में सही रहता है और फटाफट बन जाता है नाश्ता, इसलिए तो समय भी बचता है, शक्ति भी बचती है, धन भी बचता है, तो इसलिए बनाना है। तो मैं जा रही हूँ वॉक करने, मेरा हो गया, और एक ये इक्के के दो दो पहनने पड़ते हैं, बहुत सर्दी है इसलिए जो 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 मिलता है वो मैं डाल लेती हूँ। और आज खाने की छुट्टी क्योंकि अभी जो इन लोगों ने मैगी खा ली और मैंने जो सामक बनाए थे मेरे लिए वो इलू ने वो भी थोड़े से खा लिए, और इनको भी भूख नहीं है बहुत, तो इन लोगों ने पोहा खा लेंगे, तो खा लेंगे छुट्टी। चलो वॉक करके आती हूँ। वॉक करके मैं किचन में आ गई थी, अब मुझे बनाना था प्रीमिक्स, साथ ही मैं इनके पोहे वगैरह भी बनाने थे, तो ढोकला का बनाना था, तो मैं बस वही सोची थी कौन से कप से मेज़र
करूँ। वैसे तो मेरे पास मेजरिंग कप है बट मैं नॉर्मल घर के ही यूज़ ले लेती हूँ। फिर तो ये मैंने लिया है बेसन। अब बेसन आप देखना, मैं लूँगी 4 कप के करीब शायद मैंने बेसन लिया। हाँ, 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये हो गया 4th। अब 4 कप जब बेसन हम लेंगे तो उसमें डाल देंगे 6 टेबल स्पून सूजी। आप 1 कप बेसन में 1 कप सूजी वाला भी बना सकते हैं बट मैंने इस बार कम सूजी रखी है। तो 4 कप बेसन में 6 टेबल स्पून सूजी डालिए, यानी कि 2 कप में 3 टेबल स्पून सूजी डालेगी। तो थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ी सी डाल देंगे हम हींग, और फिर ये डाला है मैंने नमक। नमक सेंधा वाला डाल रही हूँ तो थोड़ा सा कम सा लगता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाल दिया। 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून में डाल रही हूँ टाटरी, नींबू का सत होता है ना जो, वो डाल रही हूँ। और ये डाल रही हूँ थोड़ा सा चीनी का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं डाल रही हूँ इनो, जो फ्रूट सॉल्ट होता है वो आप डाल दीजिए। 1 चम्मच हो गया, 2 चम्मच और 3 चम्मच के करीब मैंने डाला था। आप चाहें तो बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने 4 कप बेसन, 6 चम्मच सूजी में 3 चम्मच के करीब, 3 टी स्पून के करीब इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, इसे मिक्स कर लेना है। बस हमारा जो प्री मिक्स है वो तैयार हो गया। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो बस इसको भर के एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। ये मैंने कम ही बनाया, बहुत ज़्यादा बनाओ तो आप फ्रिज वगैरह में भी रख सकते हो आगे तक यूज़ लेने के लिए। फिर मुझे बनाना था उपमा का भी प्रीमिक्स। अब उपमा का प्रीमिक्स बनाते हैं तो उसी से हम इडली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सूजी थी, 5 कप के करीब सूजी थी। ठीक है, तो एक बार मैं निकाल लूँगी और उसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी, वरना आप बिना ड्राई रोस्ट किए भी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने पहले दे रखी है, तो आज मैं कोई हरी मिर्ची या प्याज वगैरह नहीं डालने वाली हूँ, सिंपल सा ही बनाने वाली हूँ। तो पहले डाल के मैं 5 से 7 मिनट इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी सूजी को। सूजी है 5 कप के करीब, जो कप मेरे घर में था ना उससे मैंने मेज़र किया। आप जिस भी कप से मेज़र करें उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करते रहना। ठीक है, तो इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको ब्राउन नहीं होने देना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। इसका कलर जो है ना वाइट ही रहना चाहिए, बस ये थोड़ी सी फूट जानी चाहिए, जैसे खिली खिली सी लगे ना वैसी होनी चाहिए। तो ये मैंने ड्राई रोस्ट कर ली यहाँ पे, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 5 से 7 टेबल स्पून ऑयल के डाल रही हूँ। जो भी ऑयल आप खाते होंगे ना वो डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 टेबल स्पून मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल को गरम होने देंगे, जब ऑयल गरम हो जाएगा तब हम इसमें राई वगैरह जो है वो डालेंगे। तो अगर आप हरी मिर्च प्याज डालना चाहें तो उसे भी पहले ड्राई रोस्ट कर लें एक कढ़ाई में, उसके बाद दोबारा से ड्राई रोस्ट करें। बट यहाँ पे मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ प्याज और हरी मिर्च, इसलिए डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ राई यानी सरसों के दाने। 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है। 2 चम्मच मैं उड़द की धुली हुई दाल डाल रही हूँ, और 2 चम्मच ही हम डाल देंगे चना दाल। ठीक है, इनको बिल्कुल सिम आँच पे गोल्डन ब्राउन जो है वो हमें होने देना है। तो बस ये जब तक गोल्डन ब्राउन होती है तब तक फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया कढ़ी पत्ता। आप और भी ज़्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं कढ़ी पत्ता को, बट मैंने इतना ही डाला है। और इसे भी बिल्कुल क्रिस्पी होने देना, इसे नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर नमी रह गई तो हमारा प्रीमिक्स ख़राब हो जाता है। और ये 4 से 5 मैंने डाली है सूखी हुई लाल मिर्च। और इसी स्टेज पे आप ड्राई रोस्ट किए हुए हरी मिर्ची और प्याज भी डाल सकते हैं, और उनकी जब तक नमी ख़त्म नहीं हो तब तक उनको भूनना है, अगर डालते हो तो। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने डाल दी मुट्ठी भर काजू की टुकड़ी। ठीक है, और ये डाल दी मैंने हींग, और काजू को भी गोल्डन ब्राउन होने देना है। ठीक है, फिर डाल देंगे हम हमारी ड्राई रोस्ट की हुई सूजी। अब सूजी को आप पहले ड्राई रोस्ट ना करें तब भी चलेगा, आप डायरेक्ट सूजी ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैंने एक बार डाल दी ताकि उसकी कोई नमी उसमें ना रहे। तो इसे फिर से 5 से 7 मिनट हमें भूनना है इन सब मसालों के साथ, ताकि जो भी नमी हो ना वो ख़त्म हो जाए। और नमक भी साथ में डाल देना, ताकि नमक की भी कोई जो नमी हो ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। आप जैसा भी जितना भी नमक खाते हो ना वो वाला डाल देना। आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब ये जब प्रीमिक्स तैयार हो जाएगा तो इसी में हम इनो और दही डाल के सूजी भी बना सकते हैं। वो मसाला इडली नहीं होती है वो, हाँ वो बना सकते हैं। तो
बस ये बन गए थे और कल के लिए तैयारी करनी थी, तो ये मैं पत्ता गोभी कट करके रख दूँगी। कल मैंने सोचा था कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और बोलने में कई कई बार ना वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी फंबलिंग हो जाती है या कुछ इधर से उधर हो जाता है, तो आप लोगों को लगता है कि ये गलत बोल दी, लेकिन जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को कट कर लिया, इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेसन को भून रही हूँ। अब बेसन किस लिए भून रही हूँ, वो भी समय बचाने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी कोई ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसी कोई सब्ज़ी हो या कुछ हो ना जिसमें भुनावा बेसन की ज़रूरत पड़ती है, और याद आता है कि अरे हमें इसमें बेसन डाल देना चाहिए, तो भुनावा नहीं होता, तो पहले उसको भूनो फिर डालो, या फिर हमें करेले में डालना है या फिर मिर्ची के टिपोरे में डालना है तो भुनावा बेसन डालते हैं, तो समय की बचत हो जाती है। दूसरा, अगर स्टफ्ड मिर्ची बनानी है तो भी भुना हुआ रहेगा ना वो बेसन, तो हम फटाफट से बना सकते हैं। तो इसे भी हम भून कर थोड़ा एक डब्बे में रख सकते हैं। फिर अगर कोई मूली के पत्तों के पराठे बनाने हो या सब्ज़ी बनाना हो तो भुना हुआ बेसन डाल दो ना तो सही रहता है, या बैंगन बेसन वाले बनाने हो तो बैंगन छोंके और जब बेसन डालना हो तो बस उसको डायरेक्ट डाल दो, थोड़ी देर में ये भुना हुआ ऑलरेडी होगा तो पक जाएगा। तो ये देखिए पत्ता गोभी को एयर टाइट कंटेनर में, यानी कि कोई भी डब्बा जो है आपके पास उसमें रख के और फ्रिज में रख दो, तो ये ख़राब नहीं होती। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा से, ये आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दूध की मलाई बची हुई थी, तो मैंने कहा मैंने अपने फेस पे काफ़ी दिनों से टाइम नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं किया था, तो मैं और मेरा ड्राई है मेरी स्किन, तो मैं मलाई डाल के बेसन लिया है एक चम्मच और मलाई डाल के इसका पैक जो है वो लगा लूँगी। तो पैक जब लग जाएगा तो फिर बाद में किचन की क्लीनिंग वगैरह जो भी है ना वो होती रहेगी। तो बस ब्रश कर लिया है मैंने और फेस को एक बार वॉश कर लूँगी फेस वॉश से, और उसके बाद जो है बेसन वाला पैक लगा लूँगी। और फिर वो जब तक सूखेगा तब तक भाई 10 भी बजने वाली थी, तो अनुपमा भी आने वाला था, वो भी मुझे देखना था, और साथ ही मेरे किचन की क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, तो वो भी ये सूखेगा तब तक मैंने सोचा चलो हो जाएगा। तो फिर मैं बीच में ही अनुपमा देखने लगी थी, मैंने कहा किचन की क्लीनिंग बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे पैक लग गया, फिर धो वो लिया था, हाँ पैक लग गया, और फिर पहले मैंने बर्तन धोए थे क्योंकि बर्तन काफ़ी हो गए थे, अब प्री मिक्स और ऐसी सब चीज़ें बनाते हैं ना तो बर्तन तो होते ही रहते हैं, और किचन में तो बर्तन पता नहीं कितने होते हैं, करते जाओ और फिर भी बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। तो फिर बर्तन किया और फिर अनुपमा देख के आ गई थी, और मैंने फेस को धो भी लिया था, और बस फिर गर्म पानी अपना रखना था मुझे गैस पे, और किचन की क्लीनिंग भी जो है करनी थी। और हाँ, आटा जो मैं छान के रखती हूँ ना वो रखना मैं भूल गई थी, तो वो भी मैं करूँगी, अभी तक मुझे याद नहीं आता, फिर मुझे याद आया यार आटा भी छान के रखना है जैसे कि पहले मैं रखा करती थी। सो फ्रेंड्स, ये आटा बस छान के रखना भूल गई थी, तो कल फटाफट काम हो जाएगा। और बस अब मैं गर्म पानी अपना लूँगी, और बस आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि यार बहुत हो जाता है मेरे ख्याल से। कभी कभी मैं सोचती हूँ इतना काम करती हूँ, आज सुबह से लगी हुई हूँ, और एक्स्ट्रा काम करना, घर के जो डेली के काम है, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब करना, अपने ऊपर ध्यान देना, भाई बच्चों के साथ खेल भी लेना, बच्चों को भी टाइम देना, हस्बैंड को भी दे देना, और बाहर भी जा जाती हूँ इस, और ये 24 घंटे नहीं होते, उसमें से 6-7 घंटे तो हम सोते हैं, तो जो जितने घंटे उसके बाद बचते हैं उसमें इतना सब कुछ कर लेना में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई कई बार लगता है यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब बस यार। तो आज के दिन में मैंने 2 व्लॉग कर दिए, एक आपको पहले ही मिल गया होगा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, और फिर आफ्टरनून टू नाइट रूटीन मैंने शूट कर लिया, क्योंकि एक साथ फुल डे रूटीन इतना सब कुछ दिखाना, फुल डे रूटीन बहुत लंबा जाता है व्लॉग, इसलिए 2 टुकड़ों में कई कई बार मैं कर देती हूँ, और फुल डे रूटीन करती हूँ तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ। तो आज के मैं 2 व्लॉग निकाल देना, यूट्यूब का काम भी करना, एक्स वीडियो को एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, अपलोड करना, तो मे भी बहुत ज़्यादा है ये, एक सच बताऊँ बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं अब आज यहीं पे विराम देते हैं व्लॉग को भी और काम को भी, और गर्म पानी लेके बस रेस्ट करूँगी, अब थकान महसूस हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ ना गर्मियाँ होना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज भी करो और डाइट पे भी रहो, और डाइट पे रहने के बाद इतना सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर नॉर्मल खाना नहीं बनता है, जैसे कि इन लोगों का अलग बनता है, मेरा कुछ मैं अलग बनाऊँ तो वो मेहनत भी तो डबल होती है, तो ये सब हो जाता है। तो
तो एक नॉर्मल इंसान के लिए इतने से घंटों में इतना कुछ कर लेना, इतना कुछ कवर करना बहुत मे बी कभी कभी लगता है यार महान हूँ। और हर यूट्यूबर अगर जो ऐसा कर रहा है डेली लाइफ जो अपनी शेयर कर रहा है, डेली रूटीन जो शेयर कर रहा है, वो सच में वो बहुत मेहनत कर रहा है, चाहे उसे व्यूज आ रहे हैं चाहे तो नहीं आ रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है। और मेहनत के बाद ही हमें जो कुछ भी मिलता है तो मेहनत के बाद ही मिलता है, तो ये है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे बी कल अगर मुझे रेस्ट लेना हो तो आज दो ब्लॉग में लिए ना, तो कल ब्लॉगिंग ना करूँ, देखते हैं, फिर मेरा मन बन गया तो देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।